हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं सारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ साकेत, जो कि मैथिलीशन गुप्त रचना है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपकी पार्ट टू वीडियो है, ठीक है? पार्ट वन आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथिलीशरण गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत में भारतीय संस्कृति का विधिवत चित्रण किया है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा गया था, साकेत महाकाव्य में भारतीय संस्कृति का संपूर्ण स्वरूप दिखाई अथवा दिखाई पड़ता है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे अथवा नहीं आएगा, ठीक है? दिखाई पड़ता है, सिद्ध कीजिए। आंसर देखिए इसका, आंसर देखिए इसका, साकेत में संस्कृति का स्वरूप। साकेत गुप्त जी का सुविख्यात प्रबंध काव्य है। साकेत क्या है? प्रबंध काव्य है, महाकाव्य भी कहा गया है इसे, प्रबंध काव्य भी कहा गया है, ठीक है? तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि साकेत जी जो है वो गुप्त जी का काव्य है, ठीक है? आप अगर लिख के आएंगे तो आप सीधा इतना भी लिख सकते हैं कि साकेत गुप्त जी का काव्य है। अगर आपको महाकाव्य प्रबंध काव्य कुछ याद नहीं रहता तो आप नॉर्मल काव्य भी लिख सकते हैं। साकेत के अंतर्गत गुप्त जी ने जीवन को समग्र रूप से ग्रहण किया है, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि साकेत के चरित्र नायक के रूप में गुप्त जी ने आगे संस्कृति के महान प्रतिष्ठापक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अंकित किया है। तो देखिए, अगर हम साकेत को देखें, ठीक है, तो साकेत में हमें जीवन के सभी रूप देखने के लिए मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके जो नायक है, ठीक है, यानी कि इसमें जिसका चरित्र दिखाया गया है, इसके जो हीरो है, इसके जो नायक है, वो कौन है? आर्य संस्कृति के महान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ठीक है? उन्हें यहाँ पे नायक रखा गया है। अतः स्वाभाविक है कि इसका सांस्कृतिक आधार कवि के अन्य ग्रंथों की अपेक्षा अधिक पूर्ण एवं स्पष्ट है। साकेत में गुप्त जी ने राम रावण युद्ध को ही सांस्कृतिक प्रश्न बना दिया है। यह एक राजा का दूसरे राजा से वैमनस्य ही नहीं, अभी तो यह दो संस्कृतियों का पारस्परिक टकराव है। देखिए, यहाँ पे राम रावण का युद्ध हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? गुप्त जी ने आगे और अनागे संस्कृति का संघर्ष दिखाकर उसमें आगे संस्कृति की विजय को रेखांकित किया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें? आगे संस्कृति की विजय हमें देखने के लिए मिलेगी। अयोध्या के रहने वाले लोग सीता को राम की पत्नी की अपेक्षा भारत लक्ष्मी के रूप में अधिक देखते हैं, अथवा आगे संस्कृति के रूप में। तो यहाँ पे पंक्तियां हमें देखने को मिलेंगी, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह दिलख रही है व्याकुल मन में। आगे देखिए, साकेत एक प्रकार से हिंदू संस्कृति का विश्वकोश है। तो हिंदू संस्कृति हमें कहाँ देखने के मिलेगी? मतलब हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा भाग हमें साकेत में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? इसमें पुरातनता और नवीनता का सुंदर समन्वय है, यानी कि हमें इसमें पुरानी और नई दोनों ही चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अतः निम्नलिखित बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन करना समीचीन होगा, यानी कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है? पहला देखिए, सामाजिक आदर्श। गुप्त जी सामाजिक आदर्श का मेरुदंड मानते हैं मर्यादा, यानी कि मर्यादा को गुप्त जी ने सामाजिक आदर्श माना है। तो मर्यादा का पालन करने के लिए जीवन में चाहे जितना कठोर अनुशासन पालन करना पड़े, ठीक है, पालन करें जी, मतलब आपको कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, आपको कठिनाई का सामना करना होगा, उसका पालन कीजिए। जीवन पथ चाहे जितना दुर्गम और कठिन हो जाए, उस पर हंसते हंसते चले। स्वयं को शासित रखकर, बंधन में बंधकर ही व्यक्ति अपने आप को समाज के लिए उपयोगी बना सकता है। साकेत में वर्ण सामाजिक जीवन में भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी है। नदी में स्वच्छंद प्रवाह एवं बांधों के बंधने पर राम सीता के संवाद का एक दृश्य दृष्टव्य है, ठीक है? वो दृश्य क्या है देखिए, सीता कहती है, बंधन का ही तो नाम नहीं जनपद है, देखो कैसा स्वच्छंद यहाँ लघुलद है। राम कहते हैं, इसको भी पुर में लोग बांध लेते हैं, हाँ वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं। फिर सीता कहती हैं, पर इसमें नद का नहीं उन्हीं का हित है, पर बंधन भी क्या स्वार्थ हेतु समुचित है। फिर राम कहते हैं, मैं तो नद का परमार्थ इसे मानूंगा, हित उसका उससे अधिक कौन जानूंगा। आगे देखिए, जितने प्रवाह हैं बहे अवश्य बहे हैं, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहे हैं। इसके बाद कहते हैं, यही यह तभी संभव है जब मनुष्य अपना ही एकांत आधिपत्य पृथ्वी पर ना समझे, स्वार्थ ही प्रबल ना हो,
अपने को दूसरों की सापेक्षता में देखे। यानी कि ये सब संभव कब होता है, जब मनुष्य अपने आप को पृथ्वी पर मतलब एकांत अधिपति, ये ना समझे कि इस पृथ्वी पर मेरा अधिकार है, ठीक है, स्वार्थ को वो प्रबल ना रखे, मतलब अपना स्वार्थ ही ना देखे और अपने को दूसरों के जैसा माने, ठीक है, दूसरों के सापेक्ष रखे, मतलब दूसरों के सापेक्ष देखे, दूसरों के साथ देखे, दूसरों के समान अपने आप को माने, ठीक है, सबको एक समान माने, केवल उसके ही लिए नहीं यह धर्मी है औरों की भी भार धर्मी भगनी। इस सामाजिक बंधन में ही मोक्ष का रहस्य छिपा है। आज समाज और देश में अव्यवस्था फैली हुई मर्यादा के भंग होने के कारण साकेत ने प्रतिस्थापित आदर्श समाज में यही सभी गुण विद्यमान है। आगे देखिए, जीवन सिद्धांत तथा आदर्श। साकेत के आदर्श चरित्र राम और पात्रों के एकमात्र उद्देश्य रहा है त्याग, लेकिन यह त्याग वैराग्य में या निषेधात्मक नहीं है, इसमें अनुराग और भावुकता समाहित है। त्याग और अनुराग चाहिए बस यही, त्याग एक दूसरे के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये पंक्ति है, त्याग और अनुराग चाहिए बस यही, ठीक है, इससे पता चलता है कि इसमें अनुराग और भावुकता समाहित है। आगे देखिए, त्याग का साधन क्या है, कर्म, कर्म को त्याग का साधन बताया गया है। कर्तव्यशीलता चरित्र का सबसे बड़ा गौरव है। साकेत के प्रत्येक पात्र का जीवन कर्म प्रधान है। उर्मिला यमराज से संघर्ष की शक्ति गपती है तो राम भूतल को ही स्वर्ग बनाने के लिए अवतरित हुए हैं। भारतीय संस्कृति में सुखों की चरम परिणति है उसका त्याग, इसी से नर को ईश्वरता प्राप्त होती है और यह भूतल भी स्वर्ग बन जाता है। पंक्तियां देखिए, गौरव क्या है, जान भाग वहन करना ही, सुख क्या है, बढ़कर दुख सहन करना ही, ठीक है, यही हमारे जीवन आदर्श और साकेत का संदेश है, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड है सामाजिक दृष्टि। धन पराया देश होने के कारण भारतवर्ष के कण कण में धर्म रचा बसा हुआ है। गुप्त जीव वैरागी हैं, राम के अनन्य भक्त हैं, लेकिन इसी के साथ अन्य देवताओं के प्रति भी उनके मन में श्रद्धा है। राम ब्रह्म हैं, अवतार हैं तथा सीता माया और शक्ति हैं, इसी से संसार चल रहा है। पंक्ति देखिए, बैठी है सीता सदा राम के भीतर, जैसे विद्युत घनश्याम जैसे विद्युत के भीतर। आगे है, राम का अवतार आगे धर्म के संस्थापनार्थक हुआ है, ठीक है, तो यानी कि आर्य को क्या है, राम को क्या है, आगे धर्म का संस्थापक माना गया है। तो इसके लिए कहते हैं पंक्तियां देखिए, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति बचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया, ठीक है। आगे देखिए, चौथा पॉइंट है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। गुप्त जी ने साकेत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को समुचित स्थान प्रदान किया है। जनजात संस्कारों में कवि का अटूट विश्वास है। ब्राह्मणों का आधार उनके आदर्श पर स्थिर रहने तक है। शूद्र की शुद्धता का तिरस्कार नहीं है। राम गुरुराज का आदर मित्र के समान करते हैं। प्रभु ने तत्क्षण उसे अंक में भर लिया, यानी गले से लगा लिया। गुप्त जी ने सामाजिक चेतना अधिक सजग और प्रगतिशील है, ठीक है। गुप्त जी ने क्या किया है, साकेत ने सामाजिक चेतना और मतलब सामाजिक चेतना में देखने के लिए मिलेगी, कैसे मिलेगी, सजग और प्रगतिशील देखने के लिए हमें मिलेगी। इस कारण उनके द्वारा परिकल्पित वर्ण व्यवस्था में मध्यकालीन विकार नहीं आ पाया है। आश्रम धर्म में भी गुप्त जी की आस्था है। वह जीवन की सफलता और समुचित विकास के लिए इस संस्था को आवश्यक मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नारी का आदरपूर्ण स्थान। मध्यकालीन समाज और संस्कृति में नारी का स्थान बहुत गिर गया था, उपेक्षणीय हो गया था। नारी मात्र भोग की वस्तु समझी जाती रही, किंतु साकेत में यत्र नायस्तु पूज्यन्ते गमन्ते तत्र देवताः का भाव नारियों के प्रति परिलक्षित होता है। वह गृह लक्ष्मी में है,
और घर में ही उनका साम्राज्य है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उर्मिला और केकई की भांति ये सभी गण चंडी का स्वरूप भी ग्रहण कर सकती हैं। साकेत में आए हुए समस्त नारी पात्र स्त्रियों की गरिमा को रेखांकित करते हैं। कवि नारियों में आत्मसमर्पण की भावना का समावेश पर बहुत विश्वास करता है। कभी तो राम कहते हैं, निश्चित नारियां आत्मसमर्पण करके स्वीकृति में ही कृतकृत्य भाव है नर के। आगे देखिए, केकई जैसा नागी चरित्र जिसे लगभग सभी राम काव्यकारों ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा, किंतु कवि ने राम से कहलवाया है कि सौभाग्य धन्य वह एक लाल की माई। नारी का भारतीय समाज में कितना आदर है और स्वयं कवि कितना श्रद्धावान है, इसके सर्वोत्तम उदाहरण अष्टम सर्ग में लक्ष्मण उर्मिला प्रसंग में देखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए अष्टम सर्ग की भी बात हुई है, ठीक है। लक्ष्मण कुटिया में सीता के अनुरोध पर पत्ते के दोने लेने जाते हैं, जो सामने ही उनकी दृष्टि पड़ी तो दिख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा। तब वह झिझकते हैं तो उर्मिला उन्हें पथ विचलित न करने का आश्वासन देती है। वो कहती है, मैं आपको पथ से विचलित नहीं करूंगी, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। इसके बाद देखिए, गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद दल तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धगे दिग जल में। और लक्ष्मण कहते हैं, आगे देखें, वन में तनिक तपस्या करके वन्ने दो मुझको निज योग्य, भावी की भगनी तुम मेरी, अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। उर्मिला के पैरों पर गिरना देखकर कवि ने पुरुष को हीन नहीं बताया है, बल्कि उसकी नारी के प्रति जो श्रद्धा और अकंप निष्ठा है उसे अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार साकेत में नारियों के प्रति पूज्य एवं आदर भाव भरा हुआ दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, पारिवारिक आदर्श का स्वरूप, पारिवारिक आदर्श का स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैथिली शगन गुप्त जी संयुक्त परिवार के प्रति आस्थावान हैं। साकेत के गृहस्थ चित्रों में भारतीय संस्कृति का उज्जवल स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है। परिवार के सभी सदस्यों का परस्पर बड़ा ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति आसक्ति और भक्ति का भाव है। एकाद स्थल इसके विपरीत भी मिल जाते हैं, जैसे लक्ष्मण शत्रुघ्न का विमाता केकई के प्रति दुर्वचनों एवं कटु वचनों का प्रयोग। भरत का कथन भी कुछ असंस्कृत एवं असंयमित है। आगे देखें, लक्ष्मण का उर्मिला के चरणों में गिरना, उर्मिला का सीसी करके पार्षद में होना जैसे कुछ स्थल। गुप्त जी ने इनमें कुछ परिवर्तन अथवा संशोधन इसलिए नहीं किया क्योंकि वह जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में सब कुछ संस्कृत और शुद्ध नहीं है, बुरी भावनाएं भी उसमें उसी प्रकार विद्यमान है। हृदय से प्रेरित होकर बहुत से कार्य हो जाते हैं। आगे देखिए, नीति का निर्वाह, प्रत्येक देश की अपनी नीति रीति नीति प्रथाएं परंपराएं और विश्वास मान्यताएं होती हैं, इन्हीं पर देश की संस्कृति का निर्माण होता है। राम और भरत धर्म की प्रतिमूर्ति माने समझे जाते हैं। भारतीय जीवन में आत्मनिर्वाह पर अधिक बल दिया जाता है। निर्वाह की दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, काम और शोक। साकेत के सभी पात्रों में शोक का निग्रह अपरिग्रह मिलता है। राम और भरत की निर्लोभिता और लालसा विहीनता देखकर वयोवृद्ध मनुष्येष्ट जाबिली भी चकित हो जाते हैं और कहते हैं, ओह मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है, देने को उल्टा राज्य द्वंद लड़ता है। नीति का एक प्रमुख अंग शिष्टाचार है, जो पारस्परिक संबंधों की स्वच्छंदता दृढ़ता और परिपक्वता के लिए आवश्यक है। साकेत में शिष्टाचार का विशद रूप मिलता है, किसके प्रति कैसा व्यवहार चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, इसका संकेत स्थल स्थल पर मिलता है। यथा बढ़कर प्रणाम कर वरिष्ठ आदि मुनियों को, प्रभु ने आदर से लिया ग्रही गुनियों को। आगे देखिए, राजनीतिक आदर्श, साकेत में वैसे समन्वयवाद लोकतंत्र आदि विचार धारणाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कवि की आस्था राजतंत्र में ही है। आगे देखें, लेकिन राजतंत्र में राजा को स्वेच्छाचारी ना होकर लोक सेवक होना चाहिए। राजा प्रजा एक परिवार के समान होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र राज्य का अधिकारी होता है, लेकिन अन्य पुत्रों को भी यथोचित पदवी मिलती है। राजा का दायित्व भूलने पर ही शत्रुघ्न कहते हैं, तो उचित है कांति का ही केतु, समूचे राष्ट्र का कल्याण के लिए कवि के अनुसार एक राज्य होना उचित है।
एक राज्य ना हो बहुत से हो जहां राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां शांति के लिए शस्त्र बल एवं युद्ध भी आवश्यक है जिसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। इस प्रकार गुप्त जी का राजतंत्र भी प्रजातंत्र के काफी निकट है। आगे देखें, उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राचीनता की प्रधानता और नवीन प्रभाव का स्वाभाविक समावेश होने के कारण गुप्त जी का यह सांस्कृतिक निरूपण ऐसा घुला मिला तथा समन्वयवादी है। यह भारतीय संस्कृति के इतना अनुकूल है कि कहीं भी खटकता नहीं। इस यथार्थता एवं स्वाभाविकता का कारण यही है कि गुप्त जी प्रधानतः सनातन हिंदू संस्कृति के कवि हैं और नवीनता को सुधार परिष्कार के रूप में ही स्वीकार करते हैं। परम वैष्णव एवं गांधीवादी होने के कारण उन्होंने अपने क्षत्रिय पात्रों को मांस प्रेमी चित्रित नहीं किया है। गुप्त जी परंपरा निष्ठ संस्कारी हृदय है। भारतीय संस्कृति के संपूर्ण अंगों में उनकी अगाध आस्था है, परंतु वह युग धर्म की उपेक्षा नहीं करते। इसलिए पारस्परिक मूल्यों एवं गुणियों को ग्रहण करने पर भी उनका साहित्य आधुनिकता के प्रभाव से वंचित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का वहां से जाइए, चेक कीजिए, प्लेलिस्ट को डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा एक बात और कहूंगी कि ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है और एसएससी वाले ये ना सोचेंगे मैं उनका थर्ड पेपर नहीं करवाऊंगी। उनके थर्ड पेपर के एग्जाम में भी थोड़ा टाइम है और उनके एग्जाम जल्दी है, इसलिए पहले मैंने ये कम्प्लीट करवाया, देन ना आपका भी थर्ड पेपर कम्प्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।